नमस्कार दोस्तों, परमजीत सिंह कैलीहब सर्वेदा से आज आपके सामने एक बार फिर। और दोस्तों, अभी मैंने पीछे एक वीडियो आपको डाली थी कि हमारे खेत के आसपास जो है फूलों वाले पौधे जो हैं वो ज़रूर होने चाहिए। और ये आप देख रहे हैं, धनिए का पेड़ है, धनिए का ये पौधा है। और इस पर अगर आप देखें तो कितनी जो है, जिसको हम सिरफिड फ्लाई बोलते हैं, आपने इसको गेहूँ के खेत में भी देखा होगा, आपको इसकी पहचान अगर होगी तो, बहुत अच्छी मात्रा में जो है सिरफिड फ्लाई जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो है, ये गेहूं के बिल्कुल साथ जो है ये बीजी हुई है, ये लगाया हुआ है धनिया। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आप देख रहे हैं, जैसे ये धनिए के पौधे हैं कुछ और ये गेहूं का खेत है साथ में, बहुत बढ़िया मात्रा में जो है इसमें, ये देखिए आप सिरफिड फ्लाई जो है बहुत अच्छी मात्रा में आपको देखने को ये मिलेगी। तो जैसे मैंने एक पीछे वीडियो छोटी सी एक वीडियो डाली थी, तो गुरिंदर जी क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं पिछले एक साल से, तो उन्होंने इसको वीडियो को देखा और उसके बाद इन्होंने जो भी डिसीजन लिया उसके बारे में ये खुद बताएंगे आपको। और पिछले एक साल से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इस एक साल के दौरान जो है हमने जो है क्या हमारा नुकसान हमने किया या क्या हमारा फ़ायदा हुआ, फर्टिलाइज़र को हमने कितना कम किया, पेस्टिसाइड को हम कितना कम कर पाए, और उस सब के बावजूद जो है हमारा जो है प्रोडक्शन जो है वो क्या रहा, उन सारे मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। तो गुरविंदर जी, सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो आपने पौधे छोड़े हैं इसके पीछे क्या मकसद क्या है? कोई मकसद नहीं था जी, आलू की उस पर था जी, साथ था आलू के साथ था, और इसलिए ये साथ में रह गए। ठीक है, खेत बाद या तो ये खड़े थे भाई, चलो धनिया धुनिया हो जाएगा जी, इसलिए इस पर ना तो स्प्रे किया, वैसा बिल्कुल स्प्रे ही नहीं किया जी। तो गेहूँ उधर बिजाई होगी, ये खड़े रहे, मैं चलो चार दाने ही हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए छोड़ दिए। ठीक है, और इनका कोई खास मकसद नहीं था, बाकी बहुत अच्छा लग रहा है भाई, ये दो चार पेड़ थे जी और अच्छा। तो जब आपने वो वीडियो देखी उसके बाद आपको कुछ लगा? हाँ, उसके बाद ही लगा भाई, स्प्रे करने लगया था मैं भाई, दवाई का स्प्रे मार दो सारा, एक सारा डोल साफ हो जाएगी और साफ गेहूँ बढ़िया हो जाएगी जी। पर ये देखा भाई, आपने कहा था भाई फूलों वाले पौधे जरूर होने चाहिए, उसमें मक्खी मक्खी आ जाए तो उसमें प्रोडक्शन बढ़ती है ना कि घटती है जी, इसलिए छोड़ दिए थे, मैंने स्प्रे किया ही नहीं था ये। तो अगर मैं एक वैसे ही कॉमन सी मैं बात करूं कि हम अपने खेत में आए हैं, गेहूं का खेत अगर हम वैसे नज़र मारेंगे पूरे खेत में गेहूं नज़र आ रही है, हाँ जी, लेकिन इतने एरिया में आके जो है ये अलग सा एक जो है चीज़ नज़र आती है, फूल पौधे नज़र आते हैं, क्या मन को अच्छा लगता है देखने में? मन को भी अच्छा लगता है, जैसे खड़ी है तो अपना धनिया चार दाने धनिया के हो जाएंगे, तो घर में ही यूज़ होंगे और बाहर थोड़ी जाएंगे। जी 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 जी, बिल्कुल है। तो दोस्तों, कहने का मकसद यही है, आज जो हम जिस कल्चर पे हम चल पड़े हैं, हमारा किसान चला हुआ है, हम मोनोकल्चर को लेके चले हैं कि हमने एक ही तरह की फसल जो है हमने अपने खेत से लेनी है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे पूर्वजों ने कभी हमें ऐसा नहीं सिखाया, हमारे जो पूर्वज थे वो फसलों को सह फसली के जो रूप में जो है वो किसानी करते थे। आप सबको पता है कि पहले जब हम गेहूं की फसल उगाते थे, इन फसलों के बीच में सरसों की फसल जरूर डालते थे, सरसों का बीज हम जरूर डालते थे। उसके पीछे भी लॉजिक जो है एक ये था कि मधुमक्खी उसके ऊपर अट्रैक्ट होती थी, और जितनी ज़्यादा बीज जो हैं, किसी भी तरह की जो है ये मक्खी हैं, बीज जितनी भी हैं, जितनी ज़्यादा ये हमारे वातावरण में होंगी उतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है हमारे प्रोडक्शन के ऊपर ये करेंगी, क्योंकि पोलिनेशन का जो ये काम करती हैं, परागण का ये काम करती हैं। दूसरा इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी फसलों के हिसाब से, अगर मैं बात करूं, जैसे अभी पिछले एक महीने से बहुत सारे हमारे फार्मर नीचे कीजिए एक बार, बहुत सारे फार्मर जो हैं गेहूं की फसल को लेके ये कह रहे थे जी इसमें जो है अड़ की समस्या आ गई और ये अड़ जो है हमारी फसलों को ख़त्म कर देगा। तो अड़ को, ये जो सिरफिड फ्लाई है इसकी जो खुराक है वो अड़ है, तो जब ये इतनी मात्रा में आपको नज़र आ रही है तो ये जो है नेचुरल तरीके से हमारी फसल में से उस अड़ की जो संख्या बल है उसको ये ख़त्म कर देती हैं। और उसके साथ साथ जो है एक ये कीट जो मैं पहले भी आपसे कई बार जिक्र करता हूँ, जिसको हम अपनी बचपन में हम जिससे खेले हैं, जिसको हम फैल पास के नाम से भी जो है हमने जाना है, हम इसको देखते हैं, ये फैल पास जो है
इसकी भी जो खुराक है वो अड़ है। तो अगर हम पेस्टिसाइड को खेत में नहीं लेके आएंगे तो उससे क्या होगा, इनकी संख्या जो है वो बढ़ेगी, और जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो अड़ की संख्या जो है वो नेचुरल तरीके से घट जाएगी, और हमें जो है कोई भी पेस्टिसाइड उस पर डालने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। तो गुरविंदर जी, जैसे आप एक साल पहले हमारे साथ जुड़े थे, तो अब मान लो एक साल का अगर हम निचोड़ की बात करें देसी भाषा में, भाई क्या निचोड़ है अपना फर्टिलाइज़र को लेके, पेस्टिसाइड को लेके, फंगीसाइड को लेके, प्रोडक्शन को लेके, क्या क्या कहेंगे? प्रोडक्शन में तो कमी नहीं आई है। मान लो फर्टिलाइज़र घट गया 50% घट गया, यूरिया घटा दिया, जो ये ग्रोथ प्रमोटर है वो घटा दिए हैं, सारे तकरीबन ज़ीरो हो गया जी। हाँ जी, प्रोडक्शन उतनी है, मतलब उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, आप गेहूं देख सकते हैं, पीछे मक्की खड़ी है, मक्की की फसल आप देख सकते हैं। और जैसा अक्सर जो है मैं किसानों से जब भी मिलता हूं या जब भी कोई बातचीत हमारी होती है तो उसमें हम यही बात करते हैं, हम यही कमिटमेंट हमारी किसान के साथ होती है कि अगर आप मेरी मेथड से, मेरी टेक्निक से अगर आप चलोगे तो पहली ही फसल में हम आपका 50% फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड जो है वो घट सकता है। और जो किसान हमारे साथ लंबे टाइम से जुड़े हैं, 2 साल से 3 साल से जो किसान जुड़े हुए हैं, तो आज के समय में इस बार हमारा जो टारगेट है, हम 80% तक जो है उनका फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की जो मात्रा है उसको हम कम करने की बिल्कुल तैयारी में हैं, और उसको हम कम करेंगे। ये हमारा जो है एक टारगेट है, आप इसको विज़न कह लीजिए, और इसको हम प्रैक्टिकली अगर कोई देखना भी चाहे तो आप फील्ड में आके जो है देख सकते हैं। गन्ने के भी ये फार्मर हैं और बहुत सारे गन्ने के फार्मर हैं, और गन्ने की फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ होने लगा है पिछले कुछ कई सालों से। कुछ फार्मर ऐसे भी हैं जो गन्ने में नॉर्मल है, मुझे लगता है 4 से 5 बैग तो यूरिया के नॉर्मल है गन्ने की फसल, कम से कम 4 बैग। ज़्यादा की अगर मैं बात करूँ तो कुछ किसान जो हैं वो 7 से 8 बैग तक भी चले जाते हैं। लेकिन अब हम जो जिस टेक्निक पे हम काम कर रहे हैं, हमने यूरिया को, मैंने अपने किसानों को ये बोल दिया है, अभी भाई से भी मैंने ये बोला है कि आपने यूरिया को खेत में छिट्टा जो है वो देना ही नहीं है, आप उसको भूल जाएं, उसका जो है अल्टरनेट हम आपको देंगे। और उसी बिहाफ पे जो हम काम कर रहे हैं, और जब हमारे साथ किसान जो जुड़ा हुआ है अगर वो खुश है, उसका प्रोडक्शन जो है वो डाउन नहीं आ रहा है, और बाकी सारी चीज़ें जो हमारे खर्च केमिकल के ऊपर हो रहे थे अगर वो घट रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा संकेत है हमारी नेचर के लिए भी, हमारे पौधों के लिए भी, हमारी सोयल के लिए भी, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी। क्योंकि इससे क्या होगा, जो हमारा इकोसिस्टम है वो मेंटेन होगा, वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, और ज़्यादा बेहतर होगा। और जैसे जैसे हम अपने इस इकोसिस्टम को इम्प्रूव कर जाएंगे, तो जो केमिकल की खेती हमने आज से 40-50 साल पहले जिसकी शुरुआत की थी, आज हम उसको धीरे धीरे जो है पीछे धकेलते जा रहे हैं, और बहुत जल्द जो है इस केमिकल से हम अपने किसानों का जो है पिंड उसका छुड़वा देंगे बिना प्रोडक्शन का लॉस किए। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा कुछ हो? अच्छी बात है ये डॉक्टर साहब से मिलके, और ये बल्कि में जो भी राय देते हैं बहुत बढ़िया देते हैं। यूरिया तो बहुत कम कर दिया है वैसे, बाकी सबको जुड़ना चाहिए काली हर्ब्स के नाम के प्रोडक्टों से, और अच्छे रिजल्ट भी हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट लगे जी। धन्यवाद। कोई अगर इसको सर्च करना चाहे तो कैली हब्स एग्रीकल्चर यूट्यूब जो है चैनल है, उस पर आप जाके अलग अलग तरह की फसलों पे जो हमने काम किया है उसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।